I'll miss you too. चले जीजा जी इंतजार कर रहे होंगे, उठ जा। कुछ तो कर मानुषी। एक मिनट मीत, मैंने ना अपने लिए पानी बॉईल करके रखा है, क्या मैं जाने से पहले ब्लैक कॉफी पी लूं? इतने की तो परमिशन दे सकती है ना, या वो भी अलाउड नहीं है? जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी, एक के दो दो कॉफी पी ले। तू पिएगी? ना, मैं ना मम्मी को फोन कर लेती हूँ। ठीक है। इस मीत से छुटकारा पाने के लिए क्या करूं? बहुत ही सुंदर लग रही है, एकदम आसमान से उतरी परी होती है ना, बिल्कुल वैसी। तो देखेगी ना उसने, तब पता चलेगा। जीजा जी तो आज देखकर बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगे। अरे टेंशन की बात ना है, बस 5 मिनट में निकल रहे हैं यहाँ से, 10 मिनट में पहुंच जाऊंगी। हाँ मम्मी, परेशान मत हो तू, बहुत प्यारी लग रही है दीदी। सब यही तरीका है यहाँ से भागने का। मीत, प्लीज मुझे माफ कर देना। हेलो, हाँ कुणाल, मैं बस निकल रही हूँ। हाँ तुम मेरा थोड़ा सा इंतजार करो, मैं सब कुछ लेकर आ रही हूँ तुम्हारे पास, सब कुछ लेकर आ रही हूँ। मैंने तुम्हें नया एड्रेस भेजा, वहीं आना। अरे बाप रे,
मेरी ही बारात मेरी खुशियों का रास्ता रोके खड़ी है। मुझे यहाँ से निकलना होगा इससे पहले कि मीत आ जाए। वेट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बस। इतने लोगों की बारात लेके आया, ये मीत अलावा तो एक नंबर का कंगाल निकला। मैं तो चली अपने अमीर कुनाल से शादी करने, उसके पास स्टाइल, पैसा, क्लास सब कुछ है। हमारे पास दोनों बच्चों की जो कुंडलियां भिजवाई गई थी उसके अनुसार विवाह में किसी भी प्रकार के विघ्न बाधा या संकट के संकेत नहीं है। विवाह का योग इतना प्रबल है कि कोई भी प्रलय इस विवाह को होने से नहीं रोक सकता। आप मुझे मानुषी की जन्मतिथि, समय और स्थान बताएंगे? जी, दिनांक है 27 जुलाई 1999, समय सुबह के 7 बजे और स्थान है शाबाद। हरिओम। हमने जो कुंडली मिलाई थी उसके अनुसार चंद्रमा और शुक्र लग्न के 3रे स्थान में सौभाग्य के साथ विराजमान थे और मंगल 10वें स्थान पर। अर्थात यह वह कुंडली नहीं है जो हमारे पास भेजी गई थी। मतलब आपने हमसे झूठ कहा? ना जी। आपने हमसे रिश्ता पकड़ाने के लिए हमें गलत कुंडली दी? ना अंकल जी, मम्मी ऐसा ना कर सकती। जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हमने जो कुंडली मिलाई थी उसके अनुसार जातक की जन्मतिथि आषाढ़ की सप्तमी थी। आषाढ़ की सप्तमी? जी। यो तो हमारी मीत का जन्म दिवस है। भगवान विष्णु मंगल। क्या आप मुझे वह कुंडली दिखा सकती? हाँ। भाल दादी को तुमने जातक की जन्मतिथि आषाढ़ की सप्तमी, यह तो वही कुंडली है जो हमारे पास भिजवाई गई थी। तो समझ रहे हो बेटा? बेटा राजवर्धन, ये जो कुछ भी हो रहा है यही होना था, क्योंकि इस कुंडली में विवाह का प्रबल योग इनकी बड़ी बहन या अपने मीत के साथ नहीं, इन दोनों कुंडलियों का है। गुरुजी, इन सारी बातों का हमारे लिए भी बहुत मायने है। ऐसी बातों में हम कभी गलती ना करेंगे। मैंने तो अपने हाथों से मनुष्य को कुंडली। नहीं, आप इसकी तो नहीं बात कर रही थी? हाँ, यही तो है। ये यहाँ कैसे आ गया? वो हॉल की ना शोकेस में पड़ी थी। मनु ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। गुरुजी का कहना है कि आज जो भी यहाँ पे बाधा आई है वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि ऊपर वाले ने मेरे बेटे और आपकी बेटी मानुषी की जोड़ी बनाई ही नहीं। बल्कि जोड़ी बनी है मेरे बेटे और आपकी छोटी बेटी की। जिस बात का डर था अब वो दूर हो गया। अब मेरे बेटे मीत की शादी आपकी बेटी मीत से ही होगी। अंकल जी, मैं मानती हूँ कि सारी गलतियां हमारी ओरते हुई है। मैं माफी चाहती हूँ। मैं कुंडलियों ने ना जुटला रही, पर मेरी नजर में दो लोगों के एक होने का मतलब सिर्फ कुंडलियों का मिलना ना होता।
दो लोगों के दिल भी एक होने चाहिए, वो भी मिलने चाहिए। और आप अच्छे से जानते हैं कि आपके बेटे का दिल मेरी दीदी से मिला हुआ है। मैं दीदी की जगह ना ले सकती, यो भी हो शादी ना हो सकती है। यो सही ना है अंकल जी, यो तो गलत है। मैं कैसी दीदी की जगह ले सकती हूँ? और आप मन्ने अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं ताकि बारात सुनी ना लौटे। पर यो शादी थोड़ी ना हुई, यो तो समझौता हुआ ना। नहीं बेटा, कोई भी बाप अपने बच्चे के साथ समझौता क्यों करेगा? और मैंने तुमसे कहा ना कि तुम तो एक हीरा हो, तो अगर एक हीरा हमारे घर में आएगा तो हमें तो अच्छा लगेगा ना, ये हमारी खुशनसीबी होगी। और बेटा, मैं तुमसे वादा करता हूं कि हम सब मिलके तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। यह तो मात्र एक विचार है कि जो कुछ भी घट रहा है वो हम कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, यह तो मिथ्या है। सच्चाई तो यह है कि हम सब का भाग्य भगवान ने पहले से ही लिख रखा है, बस हम जितनी जल्दी उसे समझ लें उतनी ही जल्दी हम अपने जीवन की मुश्किल की गुत्थियों को सुलझा पाएंगे। गुरु जी, अंकल जी, मैं गुरु जी की बात ना डाल रही, पर आप समझने की कोशिश करिए, मैं तैयार ना हूँ और आपका बेटा भी ना है। मेरे बेटे और मेरे परिवार को मनाने की जिम्मेदारी मेरी। अनुपा जी, देखिए मैं जानता हूँ कि आपकी बेटी बहुत ही इंडिपेंडेंट और साफ विचारों की है, इसलिए मैं अपनी सोच उस पर थोपना नहीं चाहता, लेकिन अब जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपनी बेटी को और मैं अपने बेटे को बनाऊं, क्योंकि आखिरकार जो भी फैसला होगा वो तो बच्चों का ही होगा। आइए। हरिओम। देख माँ, मैं ना चाहती कि तेरा दिल दोबारा से दुखे, तो तू अच्छे से समझ ले कि मेरा फैसला ना बदलने वाला, मैं ना मानने वाली। मी तलावत दीदी से प्यार करता है, उसकी जगह मन्ने के किसी को भी ना दे पाएगा। शादी ना होगी बस। दरअसल मीत की शादी मानुषी से नहीं हो सकती है। बाजी, इसलिए दुल्हन मंडप में नहीं आई। माय गॉड, दुल्हन भाग गई। आई एम सो सॉरी डैड, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए डैड, इसीलिए मुझे ये शादी पहले से ही अजीब सी लग रही थी। इसका मतलब मेरा जजमेंट सही था। मासूम, ये वक्त में ही इनसे बात होगा। चाचा जी, यही तो वक्त है ये बात करने का। डैड, मैं समझ सकती हूँ कि आप और मीत किस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, पर मैं हूं ना डैड, मैं हूं ना, मैं अलावज की इज्जत पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। मेरे भाई की शादी होगी, इसी मंडप में होगी, और उसकी बारात खाली नहीं जाएगी। मैं ना अभी अपनी ननद छवि को फोन करके यहाँ बुला लेती हूँ, है ना डैड? अभी मैं फोन करती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मीत की बारात खाली हाथ नहीं लौटेगी।
मैंने मीत की शादी इसी मंडप में तय कर दी है, मानुषी की बहन के साथ। What? मानुषी की बहन? ये कब पैदा हुई? राजी, मानुषी की बहन? उसकी कोई बहन भी है? हाँ भाई साहब, उसकी कहाँ कोई बहन थी? हम इतनी बार गए हैं उसके घर, हमने तो किसी को भी नहीं देखा। ये एक लंबी कहानी है रागिनी, बाद में सुनाऊंगा। फिलहाल मुझे मीत से बात करनी होगी। मीत तुम यहां क्या कर रही हो? मुझ पर हंसने आई होगी ना, जैसे सब लोग मुझ पर हंस रहे हैं कि इसकी तो शादी टूट गई है, इसकी तो दुल्हन, इसकी बीवी, इसकी होने वाली बीवी मंडप छोड़कर भाग गई है। तो तुम भी मुझ पर हंसने आई होगी, तो हंसो ना, हंसो। देख मेरी बात सुनो, नहीं एक सेकंड, अगर हंसने वाली बात नहीं है तो फिर क्या कर रही हो तुम यार? तुम यहाँ चोरी करने आई हो? तुम यहाँ चोरी करने आई हो? तुम्हें लगा शादी वाला घर है, सब लोग व्यस्त होंगे, तो मैं चोरी करने की एक बड़ा सा हाथ मार लेती हूँ, बोलो। देख मेरी बात, चोरी करने आई हो ना तुम? मैं तुमसे क्या पूछ रहा, तुम यहाँ चोरी करने आई हो ना? मैं क्या पूछ रहा, तुम चोरी करने आई हो ना? मीत, डैड ये लड़की ना ठीक नहीं है, डैड ये लड़की ठीक नहीं है, डैड ये बहुत बड़ी चोर है। और ये आप जानते हैं यहाँ क्यों है? क्योंकि ये घर का पिछला हिस्सा है डैड, और घर के कामों में, शादी की तैयारियों में सब लोग व्यस्त होंगे, तो इसीलिए इसने सोचा कि यहाँ आकर एक बड़ा सा हाथ मारूं और चोरी करके यहाँ से चुपचाप निकल जाऊं। क्या कह रहा है तू? डैड मैं ठीक कह रहा हूँ, हमारे परिवार का वैसे भी बहुत नुकसान हो चुका है, और मैं नहीं चाहता कि हमारे परिवार पे जरा से भी और आंच आए। डैड अब डैड आप अपना वॉलेट चेक कीजिए, आप अपना वॉलेट चेक कीजिए डैड, आपके आपके वॉलेट में जो जो पैसे रखे थे वो है ना डैड? और घड़ी आपकी वॉच कहाँ है डैड? मासूम दी आपकी जितनी ज्वेलरी थी वो सब है ना आपके पास? पूरी है ना आपके पास? हाँ, संभाल अपने आपको। मासूम के अंदर ईशा और सुनैना भाभी है। सुन दी, ये लड़की ठीक नहीं है, न जाने इसने ना कब से हमारे ऊपर नजर बनाई हुई है, इसका भरोसा नहीं कर सकते हम, ये एक नंबर की चोर है, ये मोहल्ला ही लुटेरा होगा, धोखेबाजों से भरा हुआ है, न जाने कैसी नीयत रखते हैं हमारे ऊपर। अब सब चेक करवा लो। समझे आप लोग कि जो आप चाहते हो वो क्यों ना हो सकता, जो आप सोच रहे हो ना, प्लीज उसे ना अपने दिमाग से निकाल दो। ए, क्या बात कर रही हो तुम? डैड मैं आपको कह रहा हूँ, डैड इस लड़की पर भरोसा मत कीजिए डैड, ये लड़की ना ठीक नहीं है। हाँ, करते हैं ना, तुम बोलो ना। मैंने जो दिन रात कड़ी मेहनत करके दौलत कमाई है ना, वो मैं खुशी खुशी लुटा सकता हूं, लेकिन सिर्फ एक शर्त है कि ये लड़की तुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दे।
यजमान, दूल्हा कब तक आएगा? शुभ मुहूर्त आरंभ होने वाला है। थोड़ा रुकिए पंडित जी। I'm sorry, Dad. मुझे नहीं लगता कि हमारा मित्र ऐसी लड़की से शादी करेगा जो लड़की जैसी दिखती तक नहीं। अच्छी तरह से जानते हैं मैं आपकी कितनी रिस्पेक्ट करता हूं, और मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूं कि आप मुझ पे कितना ट्रस्ट करते हैं डैड। हाँ पुत्र। एक मौका दीजिए ताकि आपके सामने मैं अपनी बात साबित कर सकूं डैड, मैं आपको दिखा सकूं कि असली सच्चाई क्या है। वो लड़की का चेहरा वो बिल्कुल भी नहीं है जो वो आपको दिखाने की कोशिश कर रही है डैड। मुझे एक मौका दीजिए ताकि मैं आपको समझा सकूं कि शी इज नॉट द राइट गर्ल। ठीक है, दिया मौका। आखिर तेरी और उस बच्चे की जिंदगी का सवाल है, हक है तुझे अच्छी तरह से तसल्ली करने का। लेकिन एक बात समझ ले, मेरा उस लड़की पे विश्वास पक्का है और तेरा उस लड़की पे शक सिर्फ एक गलत फहमी। पंडित जी, शादी के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। अंकल जी, हमारे उस्ताद आपसे कुछ बात करना चाहती है। उस्ताद? मेरा मतलब मीत उस्ताद। हाँ, हाँ, चलो। चलिए। चलिए, हम आपको लेके जाते हैं। मीत, तो वापस क्यों आया? पता नहीं उस लड़की ने डैड पर क्या जादू कर दिया। डैड तुझे इमोशनली ब्लैकमेल करके उस लड़की से तेरी शादी करवा के रहेंगे। तू अपनी लाइफ बर्बाद मत कर, तू जा यहां से। भाई, लेकिन जब आप उस लड़की से प्यार ही नहीं करते तो फिर ये चांस भी क्यों लेना? क्योंकि ईशा कोई चांस ही नहीं है। उस लड़की की असलियत मैं अच्छी तरह से जानता, और वही असलियत ना मैं सबके सामने लेकर आऊंगा, डैड के सामने लेकर आऊंगा, और तब डैड को समझ में आएगा जिसे वो हीरा समझ के मेरे गले में टांगने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो हीरा नहीं है बल्कि सिर्फ एक गुंडी है, शहबाब की गुंडी। परमीत, तू प्रूफ लाएगा कहां से? क्या करेगा? कुणाल, पता नहीं मीत प्रूफ ला सकेगा या नहीं। एक काम करती हूँ, मॉम को फोन करती हूँ, एक वही है जो ये शादी रोक सकती है। हाँ, फोन, फोन का, फोन तो डैड ने ले लिया था, डैड से फोन लाना होगा। फोन पापा जी के पास नहीं है, उन्होंने आपका फोन मुझे पकड़ा दिया था। हाँ तो फोन दो मेरा फिर जल्दी। आपका फोन मैंने गाड़ी में ही लॉक कर दिया है। गाड़ी में रखकर लॉक कर दिया मेरा फोन? मुझे मेरा फोन चाहिए सुनैना। वो नहीं हो सकता। वो नहीं हो सकता? मुझे मेरा फोन चाहिए। इनकी इतनी हिम्मत, इन्होंने मेरा फोन छुपा दिया। मैंने कहा था सुनैना से तुम्हारा फोन लेने के लिए। What? ताकि तुम अपनी मॉम को फोन ना कर बैठो। क्यों डैड? वो मॉम है हमारी, उन्हें जानने का हक नहीं है कि यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑफ कोर्स उनका हक है सब कुछ जानने का, लेकिन वो सब कुछ मैं उन्हें बताऊंगा, वो भी घर पहुंचने के बाद। उन्हें समझाऊंगा कि हालात क्या थे, ऐसा क्यों हुआ, ना कि इस तरह फोन पर उनके दिल में जहर घोला जाए। आपको लगता है मैं मॉम के दिल में जहर घोलना चाहती थी? हाँ, शायद जानबूझ के नहीं, लेकिन तुम्हारी आदत तो है ना हर बात को एक नया रंग देने की। देखो बेटा,
अब यहां पर मैं कोई बहसबाजी नहीं चाहता, इसलिए चुपचाप जाके उस मंडप में बैठ जाओ और अपने भाई की शादी एंजॉय करो। चलो अब बहू आती होगी। मैंने पूरा तैयार करके मम्मी और दादी पता नहीं कहां चली गई अकेले छोड़ के। माँ और दादी के दबाव में आके चिट्ठी तो निभा रही है तू, पर यो शादी है, कोई जॉब ना है जो पसंद ना आई तो छोड़ के दूजी पकड़ लेगी। पूरी जिंदगी बिना प्रमोशन के निभा लेगी वो शादी, कर लेगी तू। इट्स अनबिलीवेबल, तुम यहां बिल्कुल बिल्कुल तैयार बैठी हो, ऑल रेडी ऑल सेट, क्या ये मतलब क्या है? देख, मेरे पास मना करने का कोई रास्ता ना था। क्यों क्यों? मेरे डैड ने तुम्हें कोई ब्रिलियंट सी ऑफर दे दी होगी जिसे तुम मना ही नहीं कर पाई होगी, है ना? क्या ऑफर दिया मेरे डैड ने तुम्हें? मैं जानना चाहता हूं, मुझे बताओ क्या ऑफर दिया मेरे डैड ने तुम्हें? तुम्हें प्रॉपर्टी के लिए कहा? ऐश पैसे? क्या ऑफर दिया मुझे बताओ ना, मैं जानना चाहता हूं। मेरी बात सुनो तुम, ये जो तुमने सपने सजा रखे हैं ना मेरे डैड को अपनी झूठी बातों में फंसा कर, ये तुम्हारा झूठा चेहरा मैं सबके सामने लेकर आऊंगा। ये तुम्हारा जो धोखेबाज चेहरा है ये मैं सबके सामने लेकर आऊंगा, बस मुझे थोड़ा सा वक्त लगा है। और तुम्हें देखो, देखो तुम्हें, तुम तो एकदम तैयार होकर रेडी होकर बैठी हो। देखियो जो हो रहा है, ये जो हो रहा है ना, ये शायद मुझे करना भी पड़े क्योंकि मैं अपने फादर साहब की बहुत इज्जत करता हूं। मैं उन्हें जिंदगी में कभी किसी चीज के लिए ना नहीं कह सकता और ना कभी कहूंगा, मैं अपने फादर साहब को भगवान मानता हूं। क्योंकि अगर मेरे फादर साहब मेरा भगवान नहीं कहता ना, तो इस दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो मुझे तुमसे इस रिश्ते के लिए हाँ करवा सकती थी। समझे तुम? ये जो तुम्हारा चेहरा है, इसे तुम्हारी धोखेबाज इमेज है, जो गंदी इमेज है ना, ये मैं सबके सामने लेकर आऊंगा। आई बात समझ में? मैं के हूं और के ना, जो सब जानते, और यो इनाम है मेरा। किसी के कहने थे मैं चोर गुंडा या बदमाश ना हो जाऊंगी। इज्जत की रोटी कमाना और मेहनत का पसीना बहाना मैंने अच्छे से आते हैं। और उसी ते अपने घर को पालती हूं मैं। डैड, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ना, ये बात तो बिल्कुल सच है। ये माही है, मीत की बहुत अच्छी सहेली। जय माता दी अंकल। जय माता दी। अब वैसे किसने यहाँ हमारी मीत के कमाए हुए मेडल पे सवाल उठाया?
किसने उसके ईमान पे शक किया? हमारे होने वाले जीजू, भरोसा ना पैसों से नहीं जीता जाता, भरोसा तो अच्छे काम करने से जीता जाता है। जो हमारी मीत ने ना जीत लिए। वैसे एक बात बोलूं जीजू, मीत जैसी लड़की ना आपको टॉर्च लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। लाखों में एक है हमारी मीत, बचपन से जानती हूं इसको। लोग ना इसको पहली नजर में गलत समझ लेते हैं, लेकिन हमारी मीत कुछ ऐसा जादू करती है कि सबका नजरिया ही बदल जाता है। शीजू, आपकी बातों से ना हमारी मीत के मान को ठेस पहुंच सकती है, लेकिन उसके ईमान को कोई नहीं हिला सकता। हमारी मीत के इरादे कभी गलत नहीं होते, हाँ पर तरीके थोड़े टेढ़े मेढ़े होते। वो क्या कहते हैं, मीत स्टाइल, अतरंगी स्टाइल। देख, अब ना और देर नहीं हो सकती। तूने वक्त मांगा, मैंने दिया, लेकिन उस वक्त में तू सबूत हासिल नहीं कर पाया और मैंने अपनी बात सही साबित कर दी। तो अब अच्छा ये होगा कि तू ये पगड़ी ले और इसे पहन के सीधा मंडप में बैठ जा। नी मैं रज रज हिजर मनावा, नी मैं खुद तो रुसम उड़ जावा। ओ नी मैं रज रज हिजर मनावा, मैं खुद तो रुसम उड़ जावा। कली पेड़ च बैठे तेरी पेड़ में बैठे रुसिया रांझा वो मेरा मेरी कम न रहते। चुप माही चुप है माचा, मोरे कैसे ले ना जा, मोरे कैसे ले ना जा, जा, जा। बोले कैसे ले ना जा, मोरे कैसे ले ना जा, चुप माही चुप है ना जा, 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 जा। देख बेटा, मैं जो भी कह रहा हूं, जो भी कर रहा हूं, तेरी भलाई के लिए कर रहा हूं पुत्र।
अपशगुन हो गया कुणाल? अरे बेब, कुछ अपशगुन नहीं होता है, हो जाता है कभी कभी। तुम भी ना, एक मिनट, एक सेकंड तुम चुप रहो ना। ऐसे थोड़ी होता है। अरे सब होता है बेब, सब होता है। लो हो गया, चलो चलो। अरे चलो, अरे पंडित जी मंत्र पढ़िए ना, ये लीजिए जल्दी। फेरे संपन्न हो गए। हो गया हो गया हो गया हो गया। विवाह संपन्न हुआ। डैड, मॉम का फोन है, मैं उठा लूं? आप शादी देखिए ना भैया। हाँ बबीता जी। राज, मतलब ये क्या, कब से फोन कर रही हूँ, आपने मेरा फोन नहीं उठाया, इतने बिजी हो गए कि मुझे भूल गए। अच्छा सुनिए ना, मुझे किसी ने अभी तक एक भी फोटो क्यों नहीं भेजी, ये बताइए। दरअसल मैं तो आपको, मुझे पता है ये, आप इतने बदमाश है ना, ये आप ही की शरारत होगी, आपने सबको मना कर दिया होगा बिट्स एंड पीसेस में बबीता को फोटो नहीं भेजनी। बट कोई बात नहीं, मैंने तो जी इमेजिन भी कर लिया है कि मेरा बेटा और बहू इस समय कितने सुंदर लग रहे होंगे साथ में। I tell you, they must be looking like top of the town couple, है ना? लग रहे हैं ना made for each other? हाँ बबीता जी, दोनों made for each other ही हैं। लेकिन आप चिंता मत कीजिएगा, पूरी शादी एकदम रीत रिवाज रस्मों से हो रही है, everything is perfect and fine। आप बस बहू के स्वागत की और गृह प्रवेश की तैयारियां कीजिए। आपको क्या लग रहा है कि मैंने तैयारियां नहीं की होंगी? जी पूरी तैयारियां कर ली है और बस बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ अपनी बहू का, जल्दी से ले आइए मेरी बहू को। अरे वाह, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। रखता हूँ, बाय। पर भाभी को आपसे उम्मीद नहीं है। को आपको सब कुछ बता देना चाहिए था। हाँ मिलेंगे तो बता देंगे। उन्हें कितना बुरा लगेगा, उनको कुछ बताया नहीं गया, उनसे कुछ पूछा नहीं गया। अभी कुछ देर में तो शादी खत्म हो जाएगी, तो फिर तो घर ही जाना है, आराम से बैठ के बात हो जाएगी। अब वर वधू के मांग में सिंदूर भरे। शादी अभी भी वक्त है, मांग भरना बाकी है। डैड की बहू मेरी पत्नी नहीं, याद रखना। यू
विवाह संपन्न हुआ, अग्निदेव को साक्षी मानकर आज से आप दोनों पति पत्नी के रूप में परिणित हो गए।